ज्ञानोदय हो गया, आपने कहा बहस और बाद में इस्तीफा, तो हमने तुरंत स्वीकार किया। शब्दावली के बारे में भी आपत्ति था, मैडम आपके पास मैं आया तो उसको वो भी सॉर्ट आउट हो गया। सुषमा जी खुद कर, सुषमा जी ने कहा है तो कोई भी शब्दावली मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मगर आप सभापति है, कुछ रूल्स है, नियम है और प्रेसिडेंट बनेगा, इसलिए हम सब मिलकर बात करके उसको सॉर्ट आउट किया है। इसलिए यहाँ कोई, हमने उनका कहने से, उनका कहने से जो 3/4 मेजोरिटी से लोकसभा ने पारित किया लैंड बिल सेलेक्ट कमेटी को भेजा, जो जीएसटी बिल सर्वसम्मति से पारित हो गया लोकसभा में, उनका कहने से, उनका अश्योरेंस पे हमने सेलेक्ट कमेटी को भेजा, और हमने रियल एस्टेट बिल जो मेरा इंपॉर्टेंट रजिस्ट्रेशन है पहले स्टैंडिंग कमेटी में गया, दोबारा आया, फिर भी उन्होंने कहा वेंकैया जी फर्स्ट राउंड में ऑन रिकॉर्ड है, फर्स्ट राउंड में हम इन तीनों कानूनों को पारित कराएंगे, इसलिए इसको थोड़ा सा वे आउट दिखाना है, रेफर करो कमेटी को। रेफर किया हमने कमेटी में, क्या हुआ आप लोग जाने, फिर बाद में रिपोर्ट आया, अभी नया नया विषय दर है, अभी कह रहे हैं जीएसटी के बारे में ये क्या है, बीएससी ने टाइम अलाट नहीं किया, बीएससी 4 घंटा अलाट किया, दूसरी सदन का विषय में उसमें पढ़ना नहीं चाहता हूं, इसलिए मतलब। और लास्ट लास्टली मैडम, सी द पीपल ऑफ द कंट्री हैज गिवन सच अ मैंडेट टू अवर लीडर्स नरेंद्र मोदी एंड टू अवर गवर्नमेंट, आई एम थैंकफुल टू द पार्टीज पर्टिकुलरली बीजेडी एंड वाईएसआर एंड टीआरएस एंड ऑल्सो द एडीएमके, शिवसेना शिवसेना इज अवर पार्टनर, दे आर अवर ओन ओल्ड फ्रेंड्स, अकाली दल ऑल्सो इज अवर पार्टनर, टीडीपी ऑल्सो इज अवर पार्टनर, सो आई अपना दल भी हमारा पार्टनर है और लोक जनशक्ति पार्टी हमारा पार्टनर है और कुशवा जी का पार्टी भी हमारा पार्टनर है, तो वो ये लोग जो हमारा पार्टनर्स नहीं है, हमारा वहां उनके साथ लड़ाई चल रहे प्रदेशों में, फिर भी लोकतंत्र का हित में उन लोगों ने सदन चलाने में मदद किया है, इसलिए मैं पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर के नाते उन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारा लड़ाई होते रहेगा, लेट अस आर्ग्यू डिस्कस डिबेट डिसाइड बट अलाउ द पार्लियामेंट टू फंक्शन। इनका कहना यह है मैडम, दे आर इन पावर, दे पुश द कंट्री बैकवर्ड, नाउ दे आर इन अपोजिशन, दे आर नॉट अलाउिंग टू मूव फॉरवर्ड, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वॉन्ट टू टेक द कंट्री फॉरवर्ड, इट पेन्स अस दैट द रूलिंग पार्टी विद दिस माई स्ट्रेंथ, यू कांट से एनीथिंग, पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर कैनॉट से एनीथिंग, माई मिनिस्टर हैज नो लिबर्टी टू टॉक, ओपन हर हार्ट एंड आंसर द अलिगेशंस, यू आर नॉट अलाउड इन द लास्ट डे, दिस इज वेयर आई एम रियली हर्ट, आई फील सैड इवन ऑन दिस टुडे ऑल्सो, वट इज द ट्रीटमेंट गिवन टू सुषमा जी, वेन दे स्टैंड अप आई फील यस, राहुल ऑल्सो शुड बी अलाउड टू स्पीक एंड वी शुड हियर हिम विद दिस थिंग, खरगे जी फील्स ही अलोन शुड बी हर्ड, अदर्स हैव नो राइट, डेमोक्रेसी में ऐसा होता नहीं, इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं लोगों से कम आगे के लिए जो जनता का जो मैंडेट है, वो मैंडेट मैंडेट इज फॉर द एनडीए टू रूल द कंट्री, यू हैव मैंडेट फॉर यू टू सिट इन अपोजिशन, वेट फॉर योर टर्न, इट मे बी एज आई टोल्ड यू मे बी 10 इयर्स 15 इयर्स 20 इयर्स, हैव पेशेंस, डोंट मेक स्वीपिंग एलिगेशंस एंड डोंट मिसयूज द पार्लियामेंट एंड टू मेक एलिगेशंस अगेंस्ट माय प्राइम मिनिस्टर, माय प्राइम मिनिस्टर इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन द वर्ल्ड टुडे, आई चैलेंज इट दैट एनीबॉडी कम, नॉट ओनली इन इंडिया, in every part of the world where our Indian Prime Minister is going, he is respected, he is hailed, India's prestige is going up everywhere in the world, India is recognized and respected, and you every day slogans against him, fancy slogans, you want to take revenge against the people because people have elected Narendra Modi, it is very unfair. I request the Congress party, which says that they have 130 years of experience and 50 years of ruling, please allow democracy to function. Madam, this is my request. I am sorry I have to quote certain things because as a Parliament Affairs Minister